हर क्रिकेट फैन को अब इंतजार है भारत और बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज का। 19 सितंबर से टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है और यही भारत के होम टेस्ट सीजन का आगाज भी है। टीम इंडिया तो पहले से ही सीरीज के लिए, पहले टेस्ट के लिए अपनी टीम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अब बांग्लादेश ने भी सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। दो मैचों की सीरीज के लिए 16 खिलाड़ियों को स्क्वाड में रखा गया है, जिसकी कमान नजमुल हसन चंतो के पास होगी। बांग्लादेश की टीम ने हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इस दौरे पर गए लगभग सभी खिलाड़ियों को इस टीम में भी लिया गया है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। बस यहाँ पर तेज गेंदबाज शरीफुल इस्लाम को चोटिल हो गए थे, इस वजह से उनको बदला गया है और उनकी जगह जाकिर अली को टीम में लाया गया है। पाकिस्तान की तरह भारत के खिलाफ भी जाकिर हसन और शदमान इस्लाम ओपनिंग करते नजर आएंगे। वहीं नंबर 3 पर कप्तान नजमुल शांतो बांग्लादेश के लिए मजबूती देंगे। इनके अलावा टीम में मोमिनुल हक, मुशफिकुर रहमान और महमूदुल हसन जॉय को बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि इस बार भी लिटन दास ही टीम के लिए विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे। शरीफुल इस्लाम की जगह रिप्लेसमेंट बनकर आए जाकिर अली टीम के दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज होंगे। वहीं शाकिब अल हसन और मेहंदी हसन मिराज स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर टीम के साथ रहेंगे। तस्कीन अहमद, हसन महमूद, खालिद अहमद और नाहिद राणा टीम के मुख्य 4 पेसर होंगे। इनके अलावा नईद हसन और तैजुल इस्लाम 2 अन्य स्पिनर भी शामिल किए गए हैं। अब यहाँ टीम चयन में एक हैरानी भी हुई है, वो ये कि शाकिब अल हसन अभी भी टीम में बने हुए हैं। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान में बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसी दौरान बांग्लादेश में शाकिब अल हसन के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें उन्हें हत्या का आरोपी बताया गया था। तब माना जा रहा था कि शाकिब को टीम से बाहर निकाला जाएगा, लेकिन बीच दौरे में ऐसा नहीं किया गया। हालांकि अब जब भारत के खिलाफ सीरीज की बारी आई है, तब भी शाकिब को टीम में जगह मिली है और वो खेलते हुए नजर आएंगे। बता दें कि टीम इंडिया ने जो पहले टेस्ट के लिए टीम का ऐलान किया है, उसमें ऋषभ पंत को भी जगह मिली है, जो अपने कार एक्सीडेंट के बाद पहली बार टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे। उनके अलावा यश दयाल और आकाशदीप सिंह को भी मौका मिला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।